बाहुबली विधायक अनंत सिंह के जेल जाने पर पत्नी नीलम देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनी खेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर विश्वास नहीं रहा, सरकार उनके परिवार को तबाह करना चाहती है। पूरी साजिश है कि उनके पति और मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जेल में ही हत्या कर दी जाए, इसको लेकर पूरी प्लानिंग बन चुकी है। नीलम देवी ने कहा कि हमारे पति पर जो भी आरोप लगे हैं किसी उच्च एजेंसी से जांच हो, बिहार की पुलिस पर अब उन्हें विश्वास नहीं रहा। हम गए हैं मानवाधिकार में, गए हैं कोर्ट में भी, हम लिखित दिए हैं, हम सब जगह गए हैं और जाएंगे भी, हमको न्याय चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। वो तो हत्या कराने के लिए विधायक जी के, हमको तो डर है कि जेल में भी हत्या करवा सकता है। क्या होना चाहिए आगे? सीबीआई के जांच की हम मांग करते हैं, जो अच्छे एजेंसी द्वारा जांच हो। नीलम जी, AK-47 के मामले में सच्चाई क्या है? देखिए, AK-47 वो सब साजिश के तहत घर में रखकर फंसाया गया है विधायक जी को, जहां 14 वर्ष से विधायक जी नहीं रहते हैं। अभी हम यहां हैं, यहां से 70 किलोमीटर दूरी मेरा घर है, अभी यहाँ है, कोई घर पर रखा तो रख देगा तो क्या हम दोषी हो जाएंगे? तो किसका है, किसका दोषी है? वो विवेका पहलवान का है, उसका भाई है, उसका जो भतीजा है, वो सब उसी का है, मिला हुआ भोला सिंह का है, और उसका जसबीर करमबीर जो भतीजा है विवेका पहलवान का, वही सब रखा है। घर तो बंद था ना मैडम? घर बंद था छरदेवाली, जो मेरा घर है और दुश्मन का, जो मेरा पारिवारिक दुश्मन विवेका पहलवान का घर, सेम एक ही है, दीवाल 5.5 फीट का होगा लगभग। वो कौन सी बड़ी बात है, फान कर रख दिया, रखवा कर और सूचना दिया, सब तो मिली भगत है। पुलिस को कह रही है चुनाव में हम बड़ी मिल रही है मैडम, पुलिस को कह रही है, दावा कर रही है कि पूरे कार्रवाई का वीडियोग्राफी भी हुआ था। वीडियोग्राफी हुआ था क्या? हम लोग को सूचना दिया गया? कौन वहाँ गवाह है? पुलिस गवाह है, पत्रकार तक को वहाँ जाने नहीं दिया गया, मीडिया बंधु को भी दूर रखा गया। मैडम, आप कह रही है कि सरकार से भी आपको उम्मीद नहीं है, प्रशासन से भी उम्मीद नहीं है, तो क्या पीएम मोदी से गुहार लगाएंगी? जी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, बोलने दीजिए, क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री के कार्यालय हम लोग प्रधानमंत्री जी से समय परेशान मत कीजिए, आप बोलने हम लोगों ने पाप है, रविनंदन पाप है या RCP पाप, ये पहले तय करो कि लिपि का बाप कौन है। और हम मांग करते हैं, अगर बिहार सरकार सुन रही हो आपके माध्यम से, तो लिपि सिंह को अविलंब ASP बार से हटाया जाए, और जो विधायक जी के खिलाफ केस का IO बनी हुए है वो IO पद से भी हटाया जाए लिपि सिंह को, नहीं तो हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। जांच का मांग करते हैं, जो बड़े एजेंसी के द्वारा इसका जांच हो, जिस घर में 14 वर्ष से माननीय विधायक जी नहीं रहते हैं, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी है घर, आज हम यहाँ हैं, घर पे कोई सामान रख देगा तो क्या हम दोषी हैं? आपको मीडिया बंधु को जानकारी होनी चाहिए, 2004 में माननीय विधायक जी के पैतृक गांव, जहाँ विवेका पहलवान पारिवारिक दुश्मन है, उसी AK-47 से उनकी हत्या, उनको गोली लगा था सीना में, और जिसका प्रमाण न्यायालय में प्रमाणित है, फंसाया गया है जी, बिल्कुल एकदम फंसाया गया, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से चुनाव का घोषणा किए तो क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? चुनाव ही मत करवाइए यार। कौन पकड़ रहा है? फंसा रहा है बिहार सरकार, राज्य सरकार में बैठे हुए राजनीतिक लोग, वर्तमान सांसद मुंगेर के ललन सिंह, नीरज सिंह, विवेका पहलवान, भोला सिंह, जो भोला सिंह विधायक जी को सोनपुर मेला में मारने के लिए 50 लाख का सुपारी दिया था,
मनु महाराज जी इस पर स्टेटमेंट भी दिए हैं, उनका वीडियो भी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोग को गार्ड मिल रहा है, आज विधायक जी जेल में हैं, उनके पास 3 बॉडीगार्ड थे, तीनों को वापस ले लिया गया। अब मेरी भी हत्या हो सकती है तो उसकी जिम्मेवार कौन रहेगा? राज्य सरकार ना, हमें सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, गार्ड नहीं दिए जा रहे हैं और अपराधी को गार्ड दिया जा रहा है। अस्वस्थ चल रहे थे वो, डॉक्टर के इलाज में गए तो भाग कर कहाँ जाएंगे? जनता के जनप्रतिनिधि हैं, 2005 से आज 2015 तक जनता की सेवा करते आए हैं, 3 बार जदयू से MLA हैं, 1 बार CCTV कैमरा पहले तोड़ दी, पहले तो गेट का ताला तोड़ दी, उसके बाद CCTV कैमरा तोड़ दी और उसके बाद मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, हम बोल बस 2 मिनट में हम आ रहे हैं, आकर दरवाज़ा खोले तो देखे वो पूरे एकदम रुआब में थी, सिर्फ राजनीतिक द्वेष से जिस तरह से बदला नहीं लिया जाता है उस तरह से एकदम व्यवहार कर रही थी। मेरे गाय खिलाने वाले जो थे स्टाफ, खाना बनाने वाले स्टाफ थे, उसको बैठा कर बोली कि तुम लोग आतंकवादी हो और अपने पुलिस से पिटवाई भी, किसी के कान से खून निकले है, किसी के नाक से खून निकला है। हमको भी बोले कि खड़ी होकर बात करो, जबकि हम शुगर पेशेंट हैं, हमको 3 घंटा खड़ी रखी, किस तरह से अभद्र व्यवहार की। अब लिपि सिंह के खिलाफ क्या एकदम नीचे चल रही है, देख पूरा विश्वास है, देख ले कितना हम अच्छा आदमी है, विधायक जी निर्दोष साबित होंगे क्योंकि ये गाय और गरीब का हमेशा सेवा किए हैं, तो उनका आशीर्वाद जरूर लगेगा और ईश्वर पे मुझे आस्था है और न्यायालय पे मुझे भरोसा है। आप लोग का कहना है वीडियो बना है आप लोग के पास, जारी क्यों नहीं करते अपना वीडियो? बताया उन्होंने वीडियो आप लोग के पास। लिपि सिंह बोलती है मैडम, बताई दूसरा चीज की जो आपने बताया कि अभी वीडियो हम लोग के पास है, तो आप जारी नहीं जारी कर रहे हैं? हम करेंगे जारी, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी जो टाइम दिया हम उसका, वो क्योंकि ऐसा मामला है, हम आप लोग को जारी करेंगे समय आने पर, नहीं जारी करेंगे नहीं, जारी करेंगे। वहाँ पे वो एक बताया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी पे थी, अपने पिता के स्टिकर लगे हुए गाड़ी पर थी, इससे आपको क्या लगता है? जी वो तो साफ, इससे तो साफ पता चल रहा है कि ये आप हमसे क्या बुलवाना चाह रहे हो, आप लोग तो खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं। मिलन जी, जब विधायक जी पटना आए थे तो आपको नज़रबंद किया गया था, घर में आप मिलना चाहती थी? जी वो आए तो हमको तो लिपि सिंह नज़रबंद कर दी, बोले कि तुमको अभी जेल भेज देंगे, छापेमारी के दौरान हम शुगर पेशेंट हैं, 3 घंटा खड़ी रखी, बोली कि खड़ी होकर बात करो हमसे, दिल्ली से पटना है तो आप उनसे मिलना चाहते हैं? किया जाता है, चुनाव लड़ने की सजा है। विधायक जी जब दिल्ली से पटना है तो आप उनसे मिलना चाहती थी, उनकी उनको बुखार था इसलिए? जी नहीं मिलने दिया गया, आपने कहा था कि मुझे मिलना है। जी देख लीजिए, आपका तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दिग्गज सारे मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम इस स्थिति में आज नहीं है, कोई कमी रहेगी तो आप उसके लिए माफ कीजिएगा, विधायक जी का अलग व्यवस्था होता है, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में बिहार सरकार के गलत कारनामों के कारण हमारे लोकप्रिय विधायक सलाखों के पीछे हैं, उस बात की सच्चाई को आप तमाम लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग उसको उजागर करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए आपके बीच उपस्थित श्रीमती मैडम नीलम जी आपके बीच है, विधायक जी के अनुपस्थित ये अपने जो शब्द बोल पाएंगी, बताएंगी सच्चाई आपको, फिर मैं विस्तार रूप से आपको बताऊं।
राजनीतिक साजिश के तहत ही इनकी पोस्टिंग जो है बाढ़ में की गई है एएसपी के पद पे, क्या आपको लगता है कि लिपि सिंह को जानबूझकर करके बाढ़ इसीलिए भेजा गया है ताकि आपके पति से वो बदला ले सके? जी जी बिल्कुल, मैं चुनाव में ही उनका जो एक जदयू कार्यकर्ता के हैसियत से वो काम कर रहे थे, वो वरीय पदाधिकारी है, उनको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। चुनाव इलेक्शन में उनको हटाया गया, फिर वह इलेक्शन के बाद उनको वही बाढ़ में एएसपी लिपि सिंह की पोस्टिंग हुई, तो इससे तो साफ बदले की भावना और राजनीतिक बू आ रही है। विधायक जी के फंसाने के लिए, हत्या करने के लिए सब लोग साजिश रच रहे हैं। अब जो ये दिल्ली गई, रविनंदन एमएलसी है उसकी गाड़ी है, आरसीपी सिन्हा की गाड़ी नहीं है। ये जिस बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंस है वो गाड़ी विधानसभा ने रिकमेंड किया तो इसको गाड़ी मिली, वो गाड़ी आरसीपी सिन्हा के स्टिकर। इसी तरह से वाजपेयी जी की सरकार में स्टिकर लगा के पार्लियामेंट पर हमला हुआ। अगर पूरी जांच हो तो ललन सिंह, आरसीपी सिंह, ये सब प्रवक्ता बने हुए जेडी को, ये सब जेल जाएंगे, अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे। कहाँ लगाया जाता है जिस एक्ट ने हमारे ऊपर जो एक्ट लगाया है वो एक्ट 15 दिन पहले चालू हुआ है, विधायक जी पर ये एक्ट नहीं लगता है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं फंसाने का, इसमें कामयाब नहीं होंगे। हम लोग कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय से भी समय मिलना है, आज शाम तक मिल जाए, कन्फर्म हो जाएगा, चिट्ठी भी आप लोग को देंगे। और हम लोग सभापति जी, उपराष्ट्रपति महोदय से समय लिए हैं कि स्टिकर किस आधार पर इशू हुआ और किस गाड़ी नंबर से इशू हुआ और किस सांसद को इशू हुआ, ये आपके मोबाइल पर आ गया होगा। मैं